जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय मसालों की तो पूरी दुनिया ही कायल रही है, लेकिन कोरोना की वजह से हल्दी जैसे कुछ कृषि उत्पादों की मांग में भारी उछाल भी आया है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल बढ़ा है। इसकी मांग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इजाफा हुआ है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता व बढ़ाने वाले गुण बताए जाते हैं। वहीं हल्दी पर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, ऐसे में हल्दी की खेती किसानों की आर्थिक सेहत बूस्टर डोज का काम कर सकती है। इसकी तस्दीक मसाला बोर्ड की रिपोर्ट करती है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 साल में ही हल्दी का एक्सपोर्ट 2 गुने से भी अधिक हो गया है। दुनिया की 80% हल्दी पिछले 5 साल में पैदा करके भारत इस मामले में वर्ल्ड लीडर बन गया है, और इसके निर्यात में 60% से अधिक की हिस्सेदारी भारत की ही है। कोरोना संकट काल में यह दबदबा और बढ़ गया है। भारत से पहली बार दूसरे देशों ने 1.83 लाख टन हल्दी खरीदी है। बदले में देश को 1676.6 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली है। बांग्लादेश, USA, ईरान, मलेशिया, मोरक्को आदि देशों को निर्यात किया गया है। वहीं अपीडा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और महाराष्ट्र में होता है, जबकि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला तेलंगाना का निजामाबाद है। राज्य में हल्दी उत्पादन का करीब 90% निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और आदिलाबाद यानी 4 जिलों में ही होता है। हल्दी का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन 6,973 किलो तेलंगाना में होता है। किसानों का कहना है कि हल्दी के एक्सपोर्ट का फायदा उन्हें तब मिलेगा जब सरकार कुछ नीतिगत बदलाव करे। हल्दी की खेती करने वाले किसान सरकार से 2 मांग कर रहे हैं। पहली मांग इसे MSP के दायरे में लाने की है, जबकि दूसरी मांग टर्मेरिक बोर्ड बनाने की। किसानों का कहना है कि ऐसा करने के बाद इसकी खेती करने वाले अच्छा पैसा कमा सकेंगे। वहीं इस पर राष्ट्रीय प्रोग्रेसिव किसान एसोसिएशन RKPA के अध्यक्ष का कहना है कि जब तंबाकू बोर्ड हो सकता है तो फिर हल्दी बोर्ड क्यों नहीं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोगों की सेहत खराब करने वाले तंबाकू के लिए तो बोर्ड बना हुआ है, लेकिन कई रोगों का निदान करने वाली हल्दी के लिए बोर्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, जबकि भारतीय संस्कृति में कोई शुभ काम और खान पान हल्दी के बिना अधूरा ही है। मसाला बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक जिले निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है, इसमें इसका एवरेज होलसेल प्राइस पिछले 6 साल में सबसे कम रहा है। 2015-16 में यहाँ हल्दी का औसत थोक दाम 7,477 रुपये प्रति क्विंटल था, जो घटते घटते 2020-21 में सिर्फ 5,575 रुपये रह गया, जबकि लागत में वृद्धि हो गई है। हालांकि चेन्नई के सेलम मार्केट में 2020-21 के दौरान इसका एवरेज होलसेल रेट 11,653 रुपये प्रति क्विंटल रहा। किसान 15,000 रुपये प्रति क्विंटल की MSP चाहते हैं। कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए जून 2018 में PM नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों की एक हाई पावर कमेटी गठित की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर राम नाइक इसके अध्यक्ष रहे थे, जबकि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल सदस्य के तौर पर इसमें शामिल थे। कमेटी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में जो 21 सिफारिशें की थी, उनमें हल्दी को MSP में लाने का सुझाव भी शामिल था, लेकिन इस रिपोर्ट पर अब तक अमल नहीं हुआ है। हल्दी पैदा होने में 8 से 9 महीने तक का समय लगता है। यह एक खरीफ मसाला है जो जून से अगस्त के महीने के दौरान बोया जाता है। नई फसल फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हल्दी की खेती लगातार एक ही जमीन पर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।